Good morning all of you. I hope you all are fine and safe at your home. As you know, our 10th chapter is going on. Today we will do exercise 10E statement sums. In previous video we have done first and second sum, in which we have learned multiplication and division of metric measures. Today we will do next. Yes, third sum A part. A container contains 13 liter 50 milliliter of milk, out of which 5 liter 250 milliliter of milk is used for making sweets. How much milk is left in the container? क्या बोल रहा है कि एक container में 13 liter 50 milliliter of milk है. Clear? इतना milk है उस container में, जिसमें से 5 liter and 250 milliliter जो milk है वो use हो चुका है sweets को बनाने के लिए. ठीक है, total milk कंटेनर में है 13 लीटर 50 मिलीलीटर, और कितना यूज़ हो चुका है कंटेनर से वो मिल्क स्वीट्स बनाने के लिए, 5 लीटर 250 मिलीलीटर. अब वो बोल रहा है कि कितना जो मिल्क है वो रह गया कंटेनर में, तो आपको पता है हम क्या करेंगे, कट. क्लियर? तो व्हाट वी विल राइट, टोटल मिल्क इन कंटेनर. ओके, वी विल मेंशन लीटर एंड मिलीलीटर. कितना है मिल्क कंटेनर में टोटल? 13 लीटर 50 मिलीलीटर. कितना जो मिल्क है वो यूज हो चुका है स्वीट्स को बनाने के लिए? 5 लीटर 250 मिलीलीटर. तो वी विल राइट मिल्क यूज्ड. कितना यूज हुआ है? 5 लीटर 250 मिलीलीटर. लिसन वन थिंग केयरफुली, जब हम प्लस माइनस करते हैं ना रजे, तो जब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट राइट करते हैं हम हमेशा उसे अपने राइट हैंड साइड से लिखना स्टार्ट करते हैं. आप देखें 5 लीटर 250 मिलीलीटर, आप इसे आगे से राइट करोगे तो आपका सम ये रोंग हो जाएगा रजे, आपने हमेशा इसे पीछे से राइट करना है. 5 2, ओके, यहाँ रह गया स्पेस तो यहाँ जीरो पुट कर देंगे. क्लियर? अब 5 लीटर है तो हम 5 यहाँ राइट करेंगे, यहाँ राइट करेंगे तो आपका सम रोंग हो जाएगा. क्लियर? नेक्स्ट वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन. राइट करेंगे मिल्क लेफ्ट, हमें यही फाइंड आउट करना है ना कितना मिल्क रह गया कंटेनर में. तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसे कट करेंगे. 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0. अब देखिए 0 में से 2 कट नहीं हो सकते, तो हम बोरो लेंगे, 3 से बोरो लेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा रजे, 10. तो 10 में से 2 कट करेंगे, क्या आएगा हमारा, 8. अब 2 में से 5 भी कट नहीं होता, तो क्या करेंगे, यहाँ से क्या लेंगे बोरो, यहाँ हो जाएगा रजे 12. तो 12 में से 5 को कट करेंगे क्या आएगा, 7. 0 में से 0 पुट कर, सॉरी कट करोगे तो क्या आएगा, 0. तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा रजे, 7 लीटर 800 मिलीलीटर. कितना मिल्क रह गया कंटेनर में? 7 लीटर एंड 800 मिलीलीटर. हमें यही फाइंड आउट करना था ना. क्लियर? नेक्स्ट हम देखिए रजे, मिस्टर गुप्ता ट्रेवल्ड 75 किलोमीटर 800 मीटर बाय कार एंड 800 किलोमीटर 40 मीटर बाय एरोप्लेन. व्हाट डिस्टेंस ही ट्रैवल इन ऑल. इस समय बोल रहा है कि एक मिस्टर गुप्ता हैं, उन्होंने 75 किलोमीटर 800 मीटर जो है वो कार से ट्रैवल किया है. इतना डिस्टेंस उन्होंने क्या किया है, कार से ट्रैवल किया है, 75 किलोमीटर एंड 800 मीटर. उसके बाद देखिए क्या बोल रहा है ये, कि उन्होंने 800 किलोमीटर 40 मीटर्स जो डिस्टेंस है उन्होंने एरोप्लेन से कवर किया है. हमें बताना है कि उन्होंने जो टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है. तो हम राइट करेंगे मिस्टर गुप्ता ट्रैवल बाय कार. फर्स्टली विल मेंशन द मेट्रिक यूनिट्स, क्या गिवन है हमें, किलोमीटर एंड मीटर. कितना ट्रैवल किया है उन्होंने कार से, 75 किलोमीटर एंड 800 मीटर्स. ओके, अब उन्होंने नेक्स्ट एरोप्लेन से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है हमें बताना है, कि उन्होंने कितना ओल ट्रैवल किया है, मीन्स उन्होंने कितना टोटल ट्रैवल किया है. एरोप्लेन से उन्होंने 1800 किलोमीटर एंड 40 मीटर ट्रैवल किया. तो हम राइट करेंगे मिस्टर गुप्ता ट्रैवल बाय एरोप्लेन. ओके, कितना ट्रैवल किया है उन्होंने, 40 मीटर. सो पीछे से राइट करेंगे, मींस हमारे राइट हैंड साइड से इसे लिखना स्टार्ट करेंगे, यहाँ जीरो पुट करेंगे. कितना किलोमीटर है, 1800.
एट एंड वन। अब यहाँ देखिए स्पेस रह गया तो हम यहाँ ज़ीरो पुट कर देंगे। क्लियर। अब हमें पता है कि हमें यहाँ ऐड करना है तो हम राइट करेंगे मिस्टर गुप्ता ट्रैवल ऑल, और आप राइट कर सकते हो टोटल डिस्टेंस ही ट्रैवल एज योर विश, मिस्टर गुप्ता ट्रैवल ऑल। आप यहाँ टोटल डिस्टेंस भी राइट कर सकते हो। ओके, देन वी विल पुट द साइन ऑफ एडिशन एंड विल सिंपली ऐड। ऐड करेंगे इसे 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 4 4, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 0 5, 7 प्लस 0 7, 8 प्लस 0 8, 1 प्लस 0 1। तो कितना आया राजा, उन्होंने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है, 1875 किलोमीटर एंड 840 मीटर। उन्होंने इतना डिस्टेंस जो है वो ट्रैवल किया है कार से और एरोप्लेन से। क्लियर। नेक्स्ट सी पार्ट देखिए रजे। मीनाज फादर हैड अ स्पेशल केक बेक्ड फॉर हर बर्थडे विच वेटेड 5 केजी 875 जी। इफ 4 केजी 370 जी ऑफ इट वॉज कंज्यूम्ड एट पार्टी, हाउ मच केक लेफ्ट ओवर। क्या बोल रहा है कि मीना के फादर ने उसके बर्थडे पर क्या किया, केक बेक किया, और जो जब उन्होंने केक बेक किया था ना, उसका वेट कितना था उस केक का, 5 केजी 875 जी। क्लियर। फिर वो बोल रहा है कि 4 केजी 370 जी, इतना केक जो है वो पार्टी में कंज्यूम हो गया, मींस इतना केक जो है वो पार्टी में यूज हो गया। क्लियर। नेक्स्ट बोल रहा है हाउ मच केक वॉज लेफ्ट ओवर, हमें बताना है कि कितना केक रह गया। तो हम क्या राइट करेंगे रजे, टोटल वेट ऑफ बर्थडे केक, कितना वेट है टोटल उस केक का जब उन्होंने बेक किया था, 5 केजी 875 जी। हम यहाँ किलोग्राम और ग्राम भी मेंशन करेंगे। क्लियर। जो आपको सम्स में जो मेट्रिक मेजर्स गिवन हो ना, किलोमीटर किलोग्राम मिलीलीटर, जो भी आपको मेंशन हो आपने वही राइट करनी है। क्लियर। नेक्स्ट, कितना केक जो यूज हो चुका है, 4 केजी 370 जी, तो हम राइट करेंगे केक कंज्यूम, आप इसे केक यूज भी राइट कर सकते हो, केक यूज मैं यहाँ राइट कर रही हूँ, केक कंज्यूम्ड एज यू विश, आप कुछ भी राइट कर सकते हो यहाँ पे, केक यूज भी और केक कंज्यूम्ड भी। तो कितना यूज हुआ है केक पार्टी में, 4 केजी 370 जी, तो हम राइट करेंगे पीछे से वही 7, 3 एंड 4। क्लियर। अब हमें बताना है कि कितना केक रह गया, तो हमें पता है कि हमें लेफ्ट निकालना हो, रह गया तो हम क्या करते हैं, या हमें रिमेनिंग निकालना हो तो हम कट करते हैं, वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन एंड वी विल सिंपली कट। राइट करेंगे यहाँ हम केक लेफ्ट, केक लेफ्ट के कितना केक रह गया, हम इसे कट करेंगे रिजी, 5 माइनस 0 5, 7 माइनस 7 0, 8 माइनस 3 5, नेक्स्ट 5 माइनस 4 1। तो कितना केक रह गया रजे, 1 केजी एंड 505 जी जो केक है वो रह गया। आर डी पार्ट इज रेनू टुक अ पार्ट इन 100 मीटर रेस, शी फेल डाउन आफ्टर रनिंग 85 मीटर 20 सेंटीमीटर, व्हाट डिस्टेंस वॉज लेफ्ट टू रन। इस समय क्या बोल रहा है कि रेनू ने एक रेस में पार्टिसिपेट किया। क्लियर। उसने एक 100 मीटर रेस में पार्टिसिपेट किया, शी फेल डाउन आफ्टर रनिंग 85 मीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब वो बोल रहा है कि वो गिर गई, कितना उसने रन किया था उसके बाद 85 मीटर 20 सेंटीमीटर, इतना रन करने के बाद वो रजे गिर गई, व्हाट डिस्टेंस वॉज लेफ्ट टू रन, कितना रह गया था उसे रेस को कंप्लीट करने के लिए, हमें व्हाट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। देखिए टोटल उसे कितना रन करना था, 100 मीटर की रेस थी ना, तो टोटल उसे 100 मीटर रन करना था, कितना उसने किया था और फिर वो गिर गई, 85 मीटर 20 सेंटीमीटर तो वो रन कर चुकी थी, तब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना जो डिस्टेंस है वो रह गया था। तो व्हाट वी विल राइट, टोटल डिस्टेंस कितना था हमारा, टोटल डिस्टेंस कितने मीटर वाली रेस थी वो, 100 मीटर वाली, तो हम राइट करेंगे टोटल डिस्टेंस, मीटर राइट करेंगे एंड सेंटीमीटर, ओनली 100 मीटर की रेस थी, सेंटीमीटर नहीं था, तो 0 0 लगा देंगे। क्लियर। अब वो कितना रन करने के बाद गिरी थी रजे, 85 मीटर एंड 20 सेंटीमीटर, तो हम राइट करेंगे कवर्ड डिस्टेंस, कितना उसने डिस्टेंस को कवर कर दिया था, कवर्ड डिस्टेंस उसने किया था,
20 सेंटीमीटर एंड 85, आप वही रजे पीछे से ही राइट करेंगे, क्लियर। और जहाँ स्पेस रह जाए वहाँ हम जीरो पुट करेंगे। अब वो बोल रहा है कि हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस वो रह गया था, क्लियर। तो हम क्या राइट करेंगे लास्ट में, लेफ्ट डिस्टेंस, लेफ्ट डिस्टेंस। वी विल पुट द साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन और हम इसे सिंपली क्या कर देंगे रजे, कट कर देंगे। 0 माइनस 0 0, 0 में से 2 कट नहीं होता, तो हम यहाँ क्या लेंगे, यहाँ से कैरी बोरो लेंगे। यहाँ से भी बोरो नहीं जा सकता रजे, 0 है यहाँ भी 0, तो हम कहाँ से बोरो लेंगे, यहाँ से, यहाँ 0 हो जाएगी, यहाँ क्या हो जाएंगे रजे, 9 9 हो जाएंगे, और यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, 10 10 में से 2 कट करेंगे 8 आ जाएंगे, 9 में से 5 को कट करेंगे 4, 9 में से 8 को कट करेंगे 1 एंड 0 माइनस 0, क्लियर। तो उसका कितना जो डिस्टेंस वो रह गया था, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर, इतना डिस्टेंस था जो वो रह गया था। टुडे वी विल डू ओनली 4 सम ऑफ दिस एक्सरसाइज, क्लियर। इफ यू हैव एनी डाउट एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस सम्स यू कैन आस्क टू मी।